हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के जो केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आओ देखते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, ये कह लो कि क्लास 10th, 11th, 12th एंड 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि नीट, जेई, KBPY या कोई भी ओलंपियाड्स, उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेसिकली इस टॉपिक का यूज क्या है, जैसे मैं कहूँ कि आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पर कई बार आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होगा। दूसरी बात, अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द प्योर एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल रिडॉक्स से 1 से 2 क्वेश्चन नीट में, जेई में आते रहते हैं, मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, इसमें कुछ रखने वाली बात है ही नहीं। तो आओ देखते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का, उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जब सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन किया गया, तो इसको बताया गया कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है कि इसमें दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक क्या होती है बोलो, रिडक्शन। एक क्या होती है, रिडक्शन, दैट इज कम फ्रॉम द वर्ड रिड एंड द वर्ड ऑक्स, द रिएक्शन कम इज ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो, रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन, तो हम बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन में क्या हो रही है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर हो रही है। क्लियर है बात। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, तो ये चीजें धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगी और आज जिस फॉर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे, वो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करता हूं बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोला हमने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां पर वहां क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने देखा कि रिडक्शन को डिफाइन किया गया, क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन को डिफाइन करते समय बोला गया कि अगर कहीं पर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया जो है कि रिडक्शन। क्लियर है बात। लेकिन अगर अपन वहीं पे बात करें बच्चों किसकी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते समय क्या बोला गया बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया बच्चों ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन दोनों से मिलकर क्या बने, रिडॉक्स रिएक्शन। बात धीरे धीरे रिडॉक्स रिएक्शन की आगे बढ़ी रही थी, तो जो अगला कॉन्सेप्ट आता है उसमें आता है बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर क्या कह लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दोनों बातों क्या बोला गया बोलो, ऑक्सीडेशन। और वहीं पर अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करते हो एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट करते हो, तो क्या बोला गया इसको बोलो, रिडक्शन। क्या बोला गया, रिडक्शन। लेकिन इन दोनों चीजों की लिमिटेशन थी बेटा रिएक्शन के अंदर। सपोज एक ऐसी रिएक्शन आपको दे दी जाए जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो, देन आप कैसे बताओगे कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्लियर है बात। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। फिर बाद में देखा गया कि अगर सपोज हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आइडिया नहीं, देन अपन कैसे बता पाएंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है कोई या फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, कैसे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अपन कंपेयर करेंगे। सो जो आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको मैंने बोला था, उसको देखते हैं कि कैसे फिर रिडॉक्स रिएक्शन को अपन डिफाइन करते हैं। तो अगर आज के समय अपन रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करें, वी कैन से यार जो रिडक्शन का प्रोसेस है, उसको कैसे बोलते हैं, मैं बोलूं बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई केमिकल स्पेसीज, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे बोलो,
रिडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर क्या हो रहा है बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई केमिकल स्पेसिस इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है, कोई केमिकल स्पेसिस क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो वहां क्या बोला हमने इसको ऑक्सीडेशन, क्या बोला बोलो, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। और इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, सपोज हमारे पास बेटा एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, क्या बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अगर गेन करा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्या बना बोलो, ऑक्सीजन पे दो माइनस, यानी ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां तुमने क्या देखा कि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करें, इट मींस ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बोलो, रिड्यूस हो रहा है। और वहीं मैं बोलूं ऑक्सीडेशन के बारे में देखिए, अगर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम बच्चा आप जानते हो सोडियम मेटल, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा बोलो, लूज करेगा, तो क्या होगा, सोडियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम एलिमेंट जो आपका था, सोडियम जो आपका एलिमेंट था, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, और उसने क्या करा, सोडियम आयन का फॉर्मेशन करा। आप देख पा रहे हो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा बच्चों, लूज कर दिया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम आयन का। यहां पर कह सकते हैं कि सोडियम इज बिंग ऑक्सीडाइज, सोडियम इज बिंग ऑक्सीडाइज, तो यहां पर क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, गेन, वहां पर क्या होगा बच्चों बोलो, रिडक्शन, क्या होगा बोलो, रिडक्शन। अरे बात समझ में आ रही क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात, आगे चलें, आओ कुछ आगे देखते हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और दूसरे वर्ड में कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसको ये कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां हो रहे हैं तो रिडॉक्स हो ही रही है, लेकिन रिडॉक्स को मैं दूसरे वर्ड में कहना चाहूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में, यानी अगर कोई एक स्पीसीज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दूसरी स्पीसीज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब वहां पर अपन इसको दूसरे टर्म में अगर बोलें, वी कैन से कि अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन करने जा रहे जो कि हर जगह अप्लीकेबल हो, हर जगह अप्लीकेबल हो। तो बच्चों हमने डिफाइन कर रिडॉक्स रिएक्शन को कुछ इस तरीके से, अगर किसी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोला इसको बोलो, ऑक्सीडेशन, क्या बोला, ऑक्सीडेशन। ये कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करी जाए, डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन, क्या बोलेंगे बोलो इसको, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलेंगे इसको बोलो, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये आपको अब एक अल्ट्रा मॉडर्न कॉन्सेप्ट मिल चुकी है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन की, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है बोलो, रिडक्शन, क्या कहलाता है, रिडक्शन। और देखते हैं थोड़ा सा आगे, सर ऑक्सीडेशन नंबर किस बला का नाम है, आपने तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया सर कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने कहा बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डिफाइंड बाय अस, आप भी देख सकते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एज इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज। सर अगर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है बोलो, कॉन्सेप्ट तो रियल ही है, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एन एटम, चार्ज प्रेजेंट ओवर, प्रेजेंट ओवर एन एटम, एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, यानी जब कंबाइंड फॉर्म में कोई एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो, उसके ऊपर जो हाइपोथेटिकल चार्ज है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अरे बात समझ में आ रही, ऑक्सीडेशन नंबर। अब सर ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें समझ में आ गया कि
एक हाइपोथेटिकल चार्ज किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, क्लियर है। लेकिन सर इसको हम कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कैसे निकालना है? मैंने कहा सुनो, कुछ हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ हमारे पास क्या है, लॉज है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का। आओ देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से रूल है, कौन कौन से नियम है। बेटा अगली हेडिंग डालेंगे अपन, लिखो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है बात। सबसे पहला रूल जो आता है बच्चों वो ये आता है कि इन फ्री स्टेट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। क्या होता है बोलो, जीरो। सर फ्री स्टेट क्या है, मैंने कहा रूल नंबर वन में आपको, रूल नंबर वन फ्री स्टेट का मतलब है बच्चों अनकंबाइंड स्टेट, यानी कि एटम या मॉलिक्यूल किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे देखो आप, मगर यहां पर अगर मैं मैग्नीशियम लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम अकेले है, बोलो यार, है कि नहीं है, है ना। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बोलो, जीरो। कितना आएगा बोलो, जीरो। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो, जीरो। कितना आया, जीरो। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, किसकी बात करूं मैं, कैल्शियम की, तो कैल्शियम का बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, अगर ये अनकंबाइंड स्टेट में कितना आएगा बताओ, ये आएगा जीरो। कितना आएगा बोलो, जीरो। अरे बात समझ में आ रही। अगर मैं बात करूं क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, इसकी बात करूं मैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बोलो, जीरो। क्लियर है बात। ऑल द एटम्स इन अनकंबाइंड स्टेट एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच आर होमो एटॉमिक इन नेचर, ये कैसा एटम है, कैसा मॉलिक्यूल है बोलो, होमो एटॉमिक। कैसा एटॉमिक है बोलो, होमो एटॉमिक, ठीक। अगला तुम देख सकते हो P4 में फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो, जीरो। आपने देखा बेटा ओजोन के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो, जीरो। ये सारे क्या है बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बात करूं S8 के अंदर, S8 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो, जीरो। अरे आ रही बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अगर अपन चले बच्चों, तो रूल नंबर वन हमें याद हो गया सर, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी जो है कि एलिमेंट हो उसका अनकंबाइंड स्टेट में बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। क्लियर है बात। रूल नंबर टू पे चलते हैं, रूल नंबर टू हमें कहता है कि अगर कहीं ऑक्सीजन दिख जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना मान के चलेंगे बोलो, -2। कितना मान के चलेंगे, -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बोलो, -2। क्लियर है बात। एक्सेप्ट इन केस ऑफ, कुछ केस हैं जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा, बल्कि इट विल बी समथिंग डिफरेंट, यानी कुछ ये अलग होगा। अरे क्या होगा, आओ देखते हैं। मैंने कहा नाम सुना तुमने किसका बोलो, पर ऑक्साइड आयन सुना है बोलो, पर ऑक्साइड के अंदर बोलो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन स्टेट दिख रहा है, -2। नहीं, अरे ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव चार्ज है बोल, दो। कितना है, दो। तो पर एटम कितना आएगा बोलो, एक। कितना आएगा, एक। तो पर ऑक्साइड के अंदर बोलो यार, पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना आएगा, -1। कितना आएगा बोलो, -1। अगली बात मैं करूं बच्चों सुपर ऑक्साइड की, किसकी बात करूं बोलो, सुपर ऑक्साइड। ध्यान से देखो, O2 पे कितना है बच्चे चार्ज, -1। कितना आया बोलो, -1। दो ऑक्सीजन पे -1 सर, एक ऑक्सीजन पे कितना होगा बोलो, -1/2। कितना होगा बोलो, -1/2। यानी कि एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा कितना आएगा बोलो, -1/2। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाइपोथेटिकल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर आएगा सुपर ऑक्साइड के केस में कितना आएगा, -1/2। क्लियर है बात। थर्ड केस की बच्चों में बात करूं ओजोनाइड, किसकी बात करूं मैं,
ओजोनाइड, यानी कि क्या होगा बोलो, O3 पे एक सिंगल निगेटिव चार्ज, तीन ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज। हाँ सर, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3, यानी कि -1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द थ्री ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन पर एटम कितना है बोलो -1/3। ये रहा बच्चों रूल नंबर 2 फॉर हाइड्रोजन, सॉरी फॉर ऑक्सीजन। अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो, रूल नंबर 3 किसके लिए देखेंगे बोलो, रूल नंबर 3 अपन देखने जा रहे हैं बोलो हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बोलो, हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, आपको पता है कि हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या बोलो, एक नॉन मेटल है। बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है सर हाइड्रोजन तो सर मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। कुछ तो बोलते हैं सर कि हाइड्रोजन तो मेटल है सर, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम के ऊपर रखी हुई। ना रे बेटे ना, हाइड्रोजन एक क्या है बोल, नॉन मेटल। क्या है बोल, एक नॉन मेटल है, बोल पक्की बात। आओ अब देखो ध्यान से, मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यार अपना भाई है। हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा, यानी जो हाइपोथेटिकल चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना आएगा बोल, +1। कितना आएगा बोल, +1। अरे कितना आएगा बोलो, +1। मैंने कहा रुको रुको रुको, हाइड्रोजन की भी एक लिमिटेशन है। क्या बोलो, वो लिमिटेशन ये है कि अगर हाइड्रोजन कभी अगर मेटल के साथ रिएक्शन करा ना, क्या बनाएगा बोल, मेटल का हाइड्राइड। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल, क्या बनाएगा बोल, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा बोल, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ये +1 नहीं रहा, कितना हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा बोलो, -1। और करके देखते हैं, क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो मैंने कहा बच्चे कि अगर सोडियम कंबाइन कर जाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बोलो, हाइड्रोजन, क्या बनाएगा बोलो, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा बोलो, सोडियम हाइड्राइड। अरे यार ये बात समझ, क्या रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कर लेते हैं ना। अरे हो गई क्या बैलेंस, ध्यान से देखो, दो सोडियम दो हाइड्रोजन एटम। अरे बोलो क्लियर है बात, अगर रिएक्शन बैलेंस है, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो अपन एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहां पर अकेले है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पे क्या बोलो, सोडियम अकेले तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या सोडियम हाइड्राइड के अंदर भी हाइड्रोजन जीरो में होगा, तो ये नहीं होगा। सोडियम तुम्हें पता है बच्चों की क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बोलो, +1, और हाइड्रोजन का बोलो -1। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बोलो, -1। कितना होगा बोलो, -1। एंड बाकी सारे केसेस में क्या होगा बोलो, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, +1। क्या होगा, +1। इसका मतलब ये अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ है तो इसकी औकात कम हो जाएगी, यानी ये -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन जहां हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ गया, बोल इसकी औकात क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी औकात बढ़ जाएगी, अरे +1 शो करेगा। अरे ध्यान से देख, HCl, अरे नाम सुना है क्या, हाँ सर ये तो हमारे बॉडी में बनती है, अरे हाँ बनती है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो -1, और हाइड्रोजन का बोलो +1। तुम ध्यान से देख पा रहे हो, हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ है बोलो, मेटल के साथ, किसके साथ है बोलो, मेटल के साथ। अगर हाइड्रोजन किसके साथ है बोलो, मेटल के साथ, किसके साथ है बोलो, मेटल के साथ, तो कितना शो करी हाइड्रोजन, -1। कितना, -1। लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ है बोलो, अगर नॉन मेटल के साथ है, किसके साथ है बोलो, नॉन मेटल के साथ है, यानी खुद हीरो बन के रहेगा, और क्या शो करेगा, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा हाइड्रोजन। मैंने कहा रूल नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया, और रूल नंबर 4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बोलो, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर अपन रूल नंबर 4 को ध्यान से देखें तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी अल्कली मेटल समझते हो बोलो, ग्रुप वन में जो तुम्हारे मेटल्स हैं, ग्रुप वन किधर है बोलो, एकदम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कौन बोलो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम,
लेकिन यू नो फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, फ्रांसियम क्या बोलो, रेडियो एक्टिव, क्लियर है बात। तो बाकी जितने सारे एलिमेंट बचे ग्रुप वन के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन इन देयर कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स। और एक एग्जांपल समझते हैं, या एग्जांपल अभी बाद में कर लेंगे, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl। अब यहाँ पर बेटा Cl क्या बोल माइनस वन और लिथियम क्या है प्लस वन, सोडियम प्लस वन Cl माइनस वन, पोटेशियम प्लस वन Cl माइनस वन, रुबिडियम प्लस वन Cl माइनस वन, Cl माइनस वन और सीजियम प्लस का वन। तो सारे के सारे अल्कली मेटल्स अपने कंपाउंड के अंदर प्लस वन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, क्लियर है बात। आगे चलते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं रूल नंबर 4 में सेकेंड पार्ट की, तो क्या कहता है कि ग्रुप टू एलिमेंट्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स यानी कौन, अरे बोलो ना प्यार से, अल्केलाइन अर्थ मेटल, कौन बोलो, अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या कहते हैं बोलो, अल्केलाइन अर्थ मेटल ये कहते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, यहां पर फिर से रेडियम क्या निकला बोलो आपका, रेडियो एक्टिव, क्या निकला बोलो, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, क्लियर है बात। तो जो रिमेनिंग बचे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बोलो रे बच्चों, प्लस का टू, कितना होगा बोलो, प्लस का टू इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, क्लियर है बात। रूल नंबर 5 पे आते हैं, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बच्चों ये कहता है कि किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज हो वो मोनो वैलेंट आयन हो सकते हैं, या सॉरी मोनो एटॉमिक कह लो, क्या कह लो, मोनो एटॉमिक जो है कि आयंस के ऊपर जितना चार्ज है वही क्या है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं आपको कुछ आयंस की बात करूं, लिथियम आयन, तो लिथियम आयन में अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, प्लस का वन, यानी जिसके ऊपर, उसके ऊपर जितना चार्ज है। मैं मैग्नीशियम आयन का पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना बताओगे बोलो, प्लस का टू। मैं कैल्शियम पे पूछूं आप क्या बताओगे बोलो, प्लस का टू। मैं सल्फाइड आयन पूछूं आप क्या बताओगे बोलो, माइनस का टू, यानी उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं फॉस्फाइड आयन की बात करूं आप क्या बताओगे, माइनस का थ्री। मैं आपसे जो है कि नाइट्राइड आयन का पूछूं आप क्या बताओगे मेरे से, सर माइनस का थ्री, बोलो यार बात समझ में आ रही। आगे चलें अपन, अगर अपन अगले रूल की बात करें तो रूल नंबर जो कि हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 6, ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसका बोलो, ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या बोलो, सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोलो, इक्वल टू जीरो कहां पे बोलो, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहां पे बोलो, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहां पे बोलो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में, किसके केस में बोलो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में। लेकिन अगर कहीं मॉलिक्यूल कोई या फिर कोई आयनिक फॉर्म हो तो क्या होगा बोलो, तो वहां पर सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। अरे बोलो क्लियर है बात, समझ में आ रही बातें, आओ देखते हैं रूल नंबर 6 को ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, CO2 सुना है आपने, क्या CO2 के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है, चार्ज नहीं, इसका मतलब CO2 क्या है बोल, न्यूट्रल। CO2 क्या है बोलो, न्यूट्रल, क्या है बोलो, न्यूट्रल। वहीं पर मैं एक आयन और ले लेता हूं जिसके ऊपर चार्ज होगा, आयन मतलब क्या, उसके ऊपर चार्ज। दूसरा हमारा जो
केमिकल स्पीशीज लेते हैं अपन NH4+. अब देखो इसके ऊपर क्या एक बिंदी बनी है ना, बिंदी बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो बोल एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल आता है। तो बोलो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है क्या? नहीं। अगर हमें नहीं पता है ना, एक काम कर लेते हैं, हमें ये रूल तो पता है ना कि सम ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, बोल जीरो। कितना होगा? जीरो। करते हैं जीरो। आओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना बताया मैंने, एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ कितने ऑक्सीजन बोलो, -2 × 2, दो ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया -4। कितना हो गया बोलो? क्या कार्बन पे हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट का सम कितना करना है, जीरो। कर लेते हैं यार, अगर ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलकर -4 दे रहे हैं, एक कार्बन की जिम्मेदारी है कि ये +4 दे, क्या दे बोलो, +4। ओवरऑल देखो जीरो हो रहा है, क्या जीरो है, इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, क्या था बोलो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फिर भी इसको वेरीफाई करना, तो आओ कार्बन को अंडरलाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो, अंडरलाइन। यानी कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। मान लिया कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक्स प्लस, सम करना है क्योंकि हमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करने हैं, सम क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। कर लेते हैं, एक्स प्लस दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बोलो, -4। यानी कि ये किसके इक्वल करना अपने को, जीरो के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, x-4 = 0 एंड x = +4। यानी कार्बन का जो अंडरलाइंड एलिमेंट था यहां पर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना आया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 मिला। कितना मिला बोलो, +4। वहीं पे जो हमारे पास बेटा क्या था, आयनिक स्पेसिस थी। ध्यान से देखें, अगर अपन इस आयनिक स्पेसिस को, तो ये हमें दिख रही है बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर में कोई ऑक्सीजन स्टेट में आइडिया इसका नहीं। इसको क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, एक्स मान लेते हैं। और मैंने आपको भी हाइड्रोजन के बारे में बताया कि जब भी कभी ये किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो कितना शो करेगा बोलो, +1। चलो नाइट्रोजन कितना शो कर दिया बच्चों, x+1। कितने बार हाइड्रोजन, चार बार। किसके इक्वल बोलो, +1 के इक्वल। यानी एक्स बोले तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बोलो, 1 - 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -3। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -3। नाइट्रोजन यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -3। कितना बोलो, -3। एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन द स्पेसिस इन केस ऑफ आयनिक स्पेसिस। यहां पर देखो +4 किसका, कार्बन का, और -4 किसका, दोनों ऑक्सीजन का। कितना हो गया बोलो, +4 - 4 जीरो आया क्या, इट मींस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और यहां पर देखो नाइट्रोजन का कितना आया, -3। नाइट्रोजन पे कितना आया बोलो, -3। और इसको अपन अगर ऐड करें हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन का +1, चार हाइड्रोजन का +4, तो कितना आ गया बोलो, +1। यानी कि इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन आया क्या, एक पॉजिटिव चार्ज के इक्वल आया क्या, इट मींस ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो उसमें क्या आएगा, इक्वल टू 0। एंड अगर कोई आयनिक स्पीसीज है तो उसमें क्या आएगा बोलो, इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। ये रहे हमारे कुछ रूल्स जिससे अपन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं। अब आओ किसी रिएक्शन को चेक करें कि वो क्या रिडॉक्स रिएक्शन है बाई यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, बाई यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं बच्चों आप लोगों के सामने, कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन क्या बनाती है बोलो, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब सारे एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। कार्बन बोलो फ्री स्टेट में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। रूल नंबर 1 याद करो, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों बोलो, फ्री स्टेट में, क्या बोलो, फ्री स्टेट में। इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। एक बात बताओ,
क्या यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन अनकंबाइंड स्टेट में है? नहीं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि कहाँ है बोलो, कंबाइंड स्टेट में, एक मॉलिक्यूल के अंदर है। मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑक्साइड, सुपरऑक्साइड, परऑक्साइड एंड ओजोनाइड। क्लियर है? इन ऑल केसेस क्या होगा बोलो? -2। तो अगर एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ऑक्सीजन पे कितना? -4। और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है बोलो? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो कार्बन का कितना आना चाहिए? +4। आओ इसको मैथमेटिकली देख ले। सपोज करो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो? x प्लस दो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो? -4। इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। x-4 कितना है बोलो बच्चे? 0। x इक्वल टू कितना है बेटा बोलो? +4। यानी सर कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट आएगा वो +4 आएगा। इट मीन्स अगर हम ध्यान से देखो तो कार्बन पहले कहां था बोलो? 0 ऑक्सीजन स्टेट में, कहां था बोलो? 0। अब कितने में बच्चे बोलो? +4 में, +4 में। ऑक्सीजन पहले कहां था बोलो? ऑक्सीजन पहले कहां था? -2 कहां था, सॉरी कहां था बोलो? 0 कहां था बोलो? 0। अब कहां है? -2 कहां है बोलो? -2। आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि अपन बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में, उस चीज को यहां पर अपन आप एनालाइज कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे एनालाइज करें। कार्बन का पहले जो ऑक्सीजन स्टेट कितना था बोलो? 0। कितना था बोलो? 0। और अब कितना हो गया? +4। क्या आपको कुछ फर्क आ रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़कर के कहां जा चुका है? 4 तक। यानी चेंज देखें अपन तो कितने का आया बोलो? 4 का आया। कितने का आया बोलो? 4। क्या चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा हुआ है। क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। पहले क्या था बोलो? कम था। पहले कहां था बोलो? 0। अब कहां गया बोलो? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? अगर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा बोलो? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बोलो? ऑक्सीडेशन। मैंने पहले ही बताया था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है बोलो? ऑक्सीडेशन। इस चीज को आपने सामने से देख लिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां चला गया? +4 में। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई बोलो? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बहुत। वहीं साइमल्टेनियसली अगर अपन देखें ऑक्सीजन के बारे में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था बोलो? 0। कितना था बोलो पहले? 0। क्लियर है बात। लेकिन अब कितना हुआ बोलो? फाइनली तो कितना हुआ बोलो? -2। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बोलो? 0 से -2। 0 से -2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया। किसका बोलो? बोलो ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन। यानी घट गया, यानी कि क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर है बात। क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर है बात। बोलो यार, अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बोलो? साथ साथ हो, ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते थे बोलो? रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, क्या हो बोलो? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो बोलो? साथ साथ हो, यानी कि साइमल्टेनियसली एक साथ हो, क्या हो बोलो? एक साथ। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बोलो? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बोलो? रिडॉक्स रिएक्शन। इन रूल्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया बच्चे, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए एक रिएक्शन और चेक करते हैं, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है या नहीं है। क्लास 10th के बच्चों का ये फेवरेट सवाल होता है, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन क्या बनाती है बोलो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है बोलो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन वैलेंस? नहीं। तो कर लो ना यार, दो ऑक्सीजन लो, दो ऑक्सीजन हो गए, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम। बताओ मैग्नीशियम कंबाइंड स्टेट या अनकंबाइंड? ऑब्वियसली सर क्या है बोलो? अनकंबाइंड। यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन स्टेट 0। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट आपको दिख रहा है अनकंबाइंड स्टेट में है बोलो? 0।
यहाँ पे भी क्या अनकम्बाइंड में, ना रे बाबा ना, यहाँ पे अनकम्बाइंड नहीं बल्कि मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, क्या हो गया बोलो, कंबाइन हो गया। कितना आया ऑक्सीजन का, माइनस का टू, कितना आया बोलो, माइनस का टू, और मैग्नीशियम का बोलो कितना आया, प्लस का टू, कितना आया बोलो मैग्नीशियम का, प्लस का टू, कितना आया बोलो, प्लस का टू। अगर प्लस का टू इसका आया और पहले कितना था, जीरो, मैग्नीशियम ध्यान से देखेंगे, जीरो से कहां गया बोलो, प्लस के टू में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ गया, क्या हुआ बोलो, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो मैंने क्या बताया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज यानी ऊपर का एरो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा बोलो, ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा बोलो, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन, क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो बोलो, साथ साथ हो, तो क्या कहलाएगा बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर अपन ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन कहाँ है बोलो, जीरो में, कहाँ है बोलो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया बोलो, माइनस के टू में, कहाँ गया बोलो, माइनस के टू में, जीरो से माइनस टू यानी कि घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन, क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन। और ध्यान से देखो इस रिएक्शन में, बढ़ गया तो बोलो ऑक्सीडेशन, बढ़ गया तो बोलो ऑक्सीडेशन, और घट गया तो बोलो रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों बोलो साथ साथ, क्या हो बोलो, साथ साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो बोलो, साथ साथ, तो क्या कहलाएगा बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहलाएगा बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात, आगे चले, आओ आगे देखते हैं बच्चों, चेक करो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया भी क्या आपकी एक गैस, क्लियर है बात, बोलो यार समझ में आ रहा है कुछ। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्योंकि ये अनकंबाइंड स्टेट में, क्या है बोलो, ये अनकंबाइंड स्टेट में। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, कंबाइन होकर के बनी। अब मैंने तुम्हें बताया था नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ होगा तो हीरो बनेगा, क्या बनेगा बोलो, हीरो बनेगा, हीरो बनेगा तो क्या करेगा, प्लस का वन शो करेगा, क्या करेगा, प्लस का वन शो करेगा। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर क्या हो बोलो, किसी नॉन मेटल, किसी मेटल के साथ हो तो माइनस वन, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन का एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हीरो, हाइड्रोजन हीरो तो प्लस का वन। अब क्या हुआ, मजबूरी हो गई नाइट्रोजन की, कितना शो करे हो बोलो, इसके अकॉर्डिंग शो करेगा। अब तो कितना मान लिया अपने, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट बोलो एक्स, तीन हाइड्रोजन कितना शो करेंगे बच्चे, प्लस का थ्री, इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं था, ये तो प्लस वन हमने लिखा है हाइड्रोजन के लिए, बोलो यार कितना करना है, जीरो। एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, माइनस का थ्री, कितना आया बोलो, माइनस का थ्री। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट बोलो माइनस का थ्री, हाइड्रोजन प्लस का वन। अब कंपेयर करते हैं पहले वाले से, नाइट्रोजन जीरो से कहां चला गया बोलो, माइनस का थ्री, अरे जीरो से माइनस थ्री घटा की बढ़ा, अरे घटा ना यार, अगर घटा तो क्या बोलेंगे बोलो, अगर घटा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, अगर घटा तो रिडक्शन, क्या हुआ, घटा तो रिडक्शन। हाइड्रोजन का चेक करो यार, जीरो था, कहां था बोलो, जीरो, जीरो से वन यानी कि जीरो से हीरो, जीरो से वन यानी जीरो से हीरो, अगर यानी कि बढ़ गया इसका ना, इसका तो क्या हुआ, बढ़ गया। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हुआ, बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा, क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर और इधर रिडक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है या नहीं है, अरे बोलो रिडॉक्स की एग्जाम्पल है कि नहीं, ऊपर वाली रिएक्शन ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, पक्की बात। आओ एक और रिएक्शन के लिए चेक करते हैं, इसको पहचानते हो, हाँ हाँ वही जिसको तुम सोच रहे हो, और ये भी कौन, O2, बोल क्या बनाया, H2O2, क्या बनाया, H2O2, क्लियर है बात। हाइड्रोजन देख अकेले पड़ा हुआ है बेवड़ा, ऑक्सीजन स्टेट जीरो, ऑक्सीजन भी अकेले पड़ा है, ऑक्सीजन स्टेट बोलो जीरो। यहां देखो ध्यान से, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, लेकिन तुम्हें याद होगा यहाँ ऑक्सीजन माइनस टू में लेना पाप है, क्योंकि नदी किनारे साफ है, नहीं रे गधे, क्योंकि ये पर ऑक्साइड है, क्या है बोलो,
पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में बोलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो माइनस वन, कितना बोलो माइनस वन, दो ऑक्सीजन माइनस टू, दो ऑक्सीजन तो माइनस टू। अब दो माइनस चार्ज को कंपनसेट कम करेंगे दो हाइड्रोजन, तो इनके ऊपर कितना आना चाहिए प्लस का टू, और प्लस का टू अगर दो हाइड्रोजन पे आएगा तो एक हाइड्रोजन पे कितना बोलो प्लस का वन, एक हाइड्रोजन पे प्लस का वन और एक ऑक्सीजन पे माइनस का वन। ध्यान से देख, हाइड्रोजन जीरो से कहां गया बोलो